morning, students. In our last lecture, we have learned about the organs which are present inside our body and organ systems. Some organs inside our body form a group and do a specific task. Such a group of organs is called organ system. We have learned that some organs inside our body form a group and do a specific task or specific work. सच ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड दे फॉर्म ग्रुप्स एंड डू इम्पॉर्टेंट सम इम्पॉर्टेंट वर्क. वो क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं. सच ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन्स का ये जो ग्रुप होता है उसे बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम. ओके, देयर आर सम ऑर्गन सिस्टम्स व्हिच आर कंटिन्यूअसली functioning in our body such as digestive system, circulatory system, skeletal system, excretory system, muscular system, etc. Okay? ये जो organ system होते हैं ये continuously हमारे body के अंदर work करते हैं. Now some important organ system. Today we are going to see some important organ systems. Okay? Some important organ systems. Our body has many organs and organ system. We already seen that कि हमारे body के अंदर बहुत सारे organs हैं और organ system हैं. They work together to carry out different tasks. Okay? वो एक साथ काम करते हैं. They do some important work. कुछ important काम करते हैं और वो एक साथ मिलकर अपना काम करते हैं. The digestive system helps to take in food through our mouth and food pipe. Digestive system का function है कि हमारा जो food है वो mouth से अंदर जाता है through the food pipe. In our stomach, food is broken down to make it easy to digest. The digestive system consists of the mouth, food pipe, stomach and intestine. देखो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. माउथ से वो स्टार्ट होता है. माउथ से हम कोई भी फूड अंदर लेते हैं. दे पासेस थ्रू द फूड पाइप. वो फूड पाइप से पास होता है टूवर्ड्स द स्टमक. वो स्टमक के पास जाता है. इन स्टमक फूड इज ब्रोकन डाउन टू मेक इट इजी टू डाइजेस्ट. स्टमक में जाने के बाद फूड का ब्रेक डाउन होता है. फूड स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होता है टू डाइजेस्ट इजीली. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फूड जो भी हम खाते हैं उसका इजी डाइजेस्ट हो. जो फूड हम खाते हैं वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता है. इसलिए क्या होता है कि माउथ से जब हम च्यूइंग करते हैं वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है. देन इट पासेस थ्रू द फूड पाइप टूवर्ड्स द स्टमक. स्टमक के अंदर जाने के बाद उसका अच्छे से डाइजेशन होता है. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, माउथ, देन फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ओके, दीज आर द ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ नेक्स्ट वन, द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करती है कि ब्रीथिंग करने के लिए हमें हेल्प करती है. ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने के लिए हेल्प करती है. द ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम आर द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन है नोज, लंग्स एंड विंड पाइप. ओके, मीन्स रेस्पिरेटरी, हम रेस्पिरेशन ब्रीथिंग कहाँ से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अवर नोज. ओके, सो नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ नेक्स्ट वन इज सर्क्यूलेटरी सिस्टम. सर्क्यूलेटरी सिस्टम सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सर्क्यूलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पास ब्लड पास करने का काम करता है. ओके, सारे ऑर्गन के लिए ब्लड पास करने का काम करता है सर्क्यूलेटरी सिस्टम. द हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन दिस सिस्टम. सर्क्यूलेटरी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अवर हार्ट. ओके, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम. सो स्टूडेंट अंडरस्टूड
Our digestive system consists of mouth, food pipe, stomach and intestine. Respiratory system consists of nose, windpipe and lungs. And the circulatory system consists of heart and blood vessels. These are the important organs of each and every system. It pumps blood to all parts of the body just like a water pump. हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट जो है जैसे वाटर पंप होता है, वाटर पंप ये सारे पाइप्स के थ्रू वाटर सप्लाई करता है. सेम वे हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली पंपिंग करता है, ब्लड को पंपिंग करता है, एंड पासेस ब्लड टुवर्ड्स द ऑल ऑर्गन. सारे ऑर्गन्स के पास, बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पास ब्लड पास करने का काम करता है हमारा हार्ट. ओके, इट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी जस्ट लाइक अ वाटर पंप. ब्लड फ्लोस थ्रू द ब्लड वेसल्स. ओके, ब्लड हमारा जो ब्लड है ये कैसे पास होता है? वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर पास नहीं होता है, टुवर्ड्स द ऑर्गन. ओके, इट पासेस थ्रू द ब्लड वेसल्स. इससे पास होता है थ्रू द ब्लड वेसल्स. ओके, ब्लड वेसल से वो पास होता है थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ब्लड वेसल्स आर थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स आर द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. जैसे किसी ट्यूब का या पाइप का स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर हमारे ब्लड वेसल्स का होता है. सो ब्लड फ्लोस थ्रू द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स आर द थिन ट्यूब्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. आवर ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. वी नो दैट कि हमारी जो भी एक्टिविटीज है, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो किससे कंट्रोल होती है? विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन. हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल करता है. इट हेल्प्स अस टू ड्रिंक, टू थिंक एंड लर्न. हमारा ब्रेन क्या करता है? क्या थिंक करना है, क्या लर्न करना है, ये सारी प्रोसेस करने के लिए हमें हेल्प करता है. द ब्रेन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. ब्रेन ये हमारे नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है. जैसे हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई किया जाता है. सेम वे ब्रेन जो है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, सारा वर्क कंट्रोल करता है. सो ब्रेन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम. सो अंडरस्टूड, टुडे वी हैव लर्न अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स, देन सर्क्यूलेटरी सिस्टम्स एंड नर्वस सिस्टम. ओके, नाउ यू हैव टू, टुडे यू हैव टू डू वन वर्क, लिस्ट ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी एंड देयर ऑर्गन्स. ओके, लिस्ट करना है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स लिखना है, माउथ, देन फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, लंग्स एंड विंडपाइप, देन सर्क्यूलेटरी सिस्टम, हार्ट एंड ब्लड वेसल, एंड नर्वस सिस्टम ब्रेन. ब्रेन इज ओनली द मेन पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम. ओके,